हेलो बच्चों, मैं सत्येन सिंह। आज हम लोग बच्चों देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो हम लोग बच्चों क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे थे, वैद्युत धारा चैप्टर। जैसा कि अगर देखा जाए तो आपका पांचवा चैप्टर है, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बच्चों देख रहे थे, देखेंगे आज वैद्युत प्रतिरोध। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, आज बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आज देखिए बच्चों, आप लोग जानते हो कि कोई एक, मान लो, कंडक्टिंग मटेरियल है। एक क्या है ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसे बच्चों हम लोग कहेंगे चालक पदार्थ। कंडक्टिंग मटेरियल ये चालक पदार्थ है। इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, करंट को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जब यहां पर करंट जाएगा तो आप जानते हो करंट का मतलब क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। क्या होता है आवेश प्रवाह ही क्या होता है, धारा होता है आवेश प्रवाह। तो बच्चों हम लोग कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है ना, ये किसी चालक का एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। अब ये प्रॉपर्टी ही बताता है कि इसमें धारा बहेगा या नहीं बहेगा, इसमें ज्यादा धारा बहेगा या ज्यादा नहीं बहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो धारा का विरोध करता है या आवेश प्रवाह का विरोध करता है, जो गुण उसका विरोध करता है, धारा प्रवाह का विरोध करता है, वही बच्चों प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जैसे इसका परिभाषा अगर बच्चों देखे, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध वह गुण है जिसके कारण कोई चालक स्वयं में आवेश प्रवाह का विरोध करता है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, और वो ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो वो स्वयं अपने अंदर जो आवेश प्रवाह होता है या वैद्युत धारा का प्रवाह होता है उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसका अलग दूसरा डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज है, किसी चालक का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें उसमें धारा प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों मैं समझाता हूं। जैसे बच्चों मान लो कि आप लोग क्या करते हो, मान लो अगर बच्चों खेत में धान जब लगता है, आप लोग गए होंगे खेत में, लगभग लगभग सब लोग गए होंगे, जो लोग नहीं गए हो वो भी जरा समझे। मान लो बच्चों ये खेत है, अब ये खेत में क्या हुआ है बच्चों, पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। जब बच्चों खेत सूखा होता है, जो सूखी जमीन होती है, जैसे जहां पानी नहीं है वहां पर आपका चलना आसान होता है, लेकिन बच्चों जहां पर जमीन गीली होती है, जहां पर पानी भरा होता है, वहां पे आपका चलना क्या आसान होता है, नहीं। तो अब देखो वही जमीन थी वहां पर, आप जब सूखा था वो क्या था आपका, क्या कहते हैं, वहां पर आप तेजी से चल ले रहे थे, लेकिन अब वही जमीन है लेकिन वहां पर क्या है, पानी भरा है। अब उस जमीन की प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चों, बदल गई। अब वहां पर जब प्रॉपर्टी बदल गई तो आप बच्चों क्या करोगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको चलना आसान नहीं रहेगा, आप बहुत स्लो स्लो चलोगे। क्यों, क्योंकि आपको वो चलने से रोकता है। ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टी है वही बच्चों क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। जैसे बच्चों हम उदाहरण के तौर पे देते हैं, मान लो आप घर पे बच्चों बैठे हो, आपको कहीं जाना हुआ, आप तैयार हो के बच्चों कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप घर से निकलने के लिए कोशिश किए, वैसे आपके पापा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा कि क्या कहते हैं, जा रहे हैं दोस्त से मिलने, तो आपके पापा ने कहा कि नहीं कहीं नहीं जाना, बैठो घर पे। आपके पापा ने क्या किया, आपको डांट दिया, कहीं नहीं जाना है। तो अब बच्चों ये जो पापा थे ना, वो किसका काम किए बच्चों, रेजिस्टेंस का काम किए, आपको जाने से रोक रहे हैं, आपको जाने से रोक रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों क्या है, ये क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहलाता है। समझ गए बच्चों, तो कोई भी चालक पदार्थ हो, हर पदार्थ में क्या होता है, ये चालक पदार्थ है, और इसमें जब आप धारा का प्रवाह करोगे तो इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो उसका क्या कहते हैं, धारा का विरोध करता है, वही जो प्रॉपर्टी होता है बच्चों वो कहलाएगा रेजिस्टेंस कहलाएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। समझ गए बच्चों, अब इसके आगे बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। आप लोग जानते हो कि वैद्युत प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं,
अब आप लोग जानते हो बच्चों कि जो रेजिस्टेंस होता है, वो होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस अपान बच्चों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग जानते हो आर बराबर वी अपान क्या होता है, आई। ठीक है, आर बराबर वी अपान आई। वैद्युत, इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर, और इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। इसे विभवांतर और इसे क्या कहेंगे, धारा। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा क्या होगा, धारा, या हम कह सकते हैं विभव अपान क्या होगा, धारा। ठीक है, विभव अपान धारा। ठीक है, अब यहां देखिए, ये बच्चों रेजिस्टेंस हो गया। अब यहां से इसका जो बच्चों मात्रक है उसके बारे में देखें, तो बच्चों इसका जो मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। और यहां से बच्चों करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों, एम्पियर। अब वोल्ट पर एम्पियर, यही बच्चों कहलाता है ओम, कहलाता है क्या, कहलाता है ओम। और ये बच्चों ओम का क्या है, सिंबल है। ये क्या है, ओम का सिंबल, ऐसे ओम को प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा का जो जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसका जो मात्रक होता है बच्चों, वो क्या होता है, आर होता है। क्लियर हो बच्चों, समझ पा रहे हो ना। तो यहां से बच्चों ये था रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम बच्चों आगे इसके बात करते हैं। ठीक है, इसका एक चीज पूछा जाता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। जो बच्चों विमीय सूत्र होता है, कई बार बच्चों ऑप्शनल में रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो बच्चों ये होता है एम एल पे 2, टी पे -3, ए पे -2। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा, आप विमीय सूत्र निकालना जानते हो क्योंकि कक्षा 11 में आपको अच्छे तरीके से सिखाया गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गया कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। यह एक किसी चालक की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें धारा बहने से रोकता है। कभी कभी आप बच्चों देखते हो घर में, जब आप कनेक्शन लगाए रहते हो तो वहां पर आप देखते हो कि करंट, मान लो कोई तार है, ये एक वायर है, यहां तक बच्चों करंट आ रहा है, लेकिन आपने यहां लगाया तो इधर नहीं आ रहा, तो आप कहोगे कि कार्बन यहां से ले लिया है, क्या कर लिया, कार्बन। तो आप क्या करते हो, उसे रगड़ते हो बच्चों, निकाल क्या करते हो, रगड़ते हो, तो फिर देखते हो आपका करंट आने लगता है। आप बैटरी वगैरह में से करते हो तो वो जो कार्बन होता है ना बच्चों, वो वही रेजिस्टेंस का काम करता है। समझ में आ गया। तो बच्चों अब हम लोग यहां देखेंगे कि अगर हम लोग ये जानते हैं आर बराबर वी अपान आई है, अगर हम यहां कहें इफ, यदि अगर हम ये ले लें कि आई बराबर बच्चों कितना ले लें, 1 एम्पियर ले लें, धारा कितना है 1 एम्पियर, और वी का मान बच्चों कितना ले ले, 1 वोल्ट ले ले, तो बच्चों जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, आर बराबर यहां पर रखेंगे क्या होगा, वी बाई आई होगा, वी का मान बच्चों 1 वोल्ट हो जाएगा, और यहां आई का मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब यहां क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, बच्चों क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर जो परिभाषा आया, इसका जो परिभाषा आया वो वह आया कि अगर कोई चालक तार है, समझिएगा, कोई चालक तार है, अगर उसमें हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे 1 वोल्ट क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है, और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवान, देखो फिर से समझो कि एक ये हमने चालक तार ले लिया, इस चालक तार में अगर हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, और इनके सिरों के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, तो उससे प्राप्त होने वाला जो कि कहते हैं प्रतिरोध होगा वो बच्चों क्या होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो कभी कभी 1 ओम की परिभाषा लिखने के लिए भी आता है। ठीक है बच्चों, तो आइए यहां पर इसका देख लेते हैं, 1 ओम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है किसी चालक के सिरों पर, एक वोल्ट विभवांतर, उत्पन्न करने पर यदि चालक में प्रवाहित
धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है या 1 ओम होगा। ठीक है, तो बच्चों कोई चालक तार है, अगर इस चालक तार में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इसके सिरों के बीच में हमने 1 वोल्ट का क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब 1 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, तो यहां पर कितना करंट प्रवाहित होगा, 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। तो इस चालक तार में जो रजिस्टेंस मिलेगा वो कितने ओम का मिलेगा, 1 ओम का मिलेगा। क्लियर हो बच्चों? तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहां पर जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है बच्चों, विभवांतर बटा धारा होता है। ठीक है, या विभव बटा धारा होता है, और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है, वोल्ट पर मीटर, या बच्चों क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, या बच्चों क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अब बच्चों यहां बात करेंगे इसका कुछ अदर भी क्या कहते हैं, यूनिट लिया जाता है। जैसे इसके कुछ अदर यूनिट में बच्चों क्या लिया जाता है, यहां पर जैसे दे दिया गया 1 किलो ओम, 1 किलो ओम है बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 किलो में कितना होता है, 10 की घात 3, 10 की घात 3 ओम। ये वैल्यू बच्चों लिखने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, जब आप सवाल लगाते हो तो वहां पर वैल्यू को हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। तो आप जानते रहोगे जहां पे 1 किलो ओम दिया रहेगा क्या कर लोगे, 10 की घात 3 ओम कर लोगे। ठीक है, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम की अगर बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 माइक्रो ओम कहें, 1 माइक्रो ओम की बात करें बच्चों, 1 माइक्रो ओम की बात करें, 10 घात -6 ओम हो जाएगा। माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 की घात -6, कहीं भी माइक्रोन, इसे बच्चों हम लोग ऐसे, ये ऐसे लिखा होगा, 1 माइक्रो ओम बराबर 10 घात -6 ओम। ठीक है, ऐसे ये होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये बच्चों क्या था, रेजिस्टेंस के बारे में था। क्लियर हो बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहां पर हम एक चीज की बात करते हैं, रेजिस्टेंस तो ये चीज हो गया, लेकिन अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर हम किन किन चीजों का मान बदल दें तो रेजिस्टेंस, उस चालक तार का जो रेजिस्टेंस है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग बनाइए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको बच्चों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पिछले क्लास में जब हम लोग ओम के नियम का सत्यापन देखे तो वहां पे हम लोगों ने एक फार्मूला पाया था, आर बराबर ML a n। ठीक है, हम लोगों ने देखा था V/I इज इक्वल टू ML/ a n e² × τ, ये हम लोगों ने देखा था। और यही बच्चों हम लोगों ने क्या माना था, R माना था, क्या माना था, R, ये भी अपन का यही क्या था, इसी को हम लोगों ने बच्चों क्या माना था, R माना था। तो ये पिछले क्लास में हम लोगों ने फार्मूला देखा था। अब बच्चों यहां एक चीज समझते हैं, देखो ये क्या है, V/I। ठीक है, और ये हम लोगों ने उस दिन डेरिवेशन में देखा था, आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर समझिए। ये क्या था, ये विभवांतर है, ये धारा है, और ये बच्चों हमारा डेरिवेशन आया था, और इसी टर्म को हम लोगों ने क्या मान लिया था, कांस्टेंट मान लिया था, क्या मान लिया था, कांस्टेंट। और बच्चों यही कांस्टेंट क्या आया था, आर, तो आर बराबर बच्चों क्या हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। अब बच्चों यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये कैसे, अब इसी आर में यही जो चीजें हैं जो आर, ये क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करेंगी। तो बच्चों यहीं से हम लोग पता करेंगे कि कौन ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बदलने से क्या कहते हैं, आर का मान बदल जाएगा। बच्चों पहला नंबर देखो, ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब ये बताओ बच्चा कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है
वो आपका फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये बच्चों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ई स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा देखे, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी दिख रहा है। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखते हैं, अब यहां ई हो गया, अब दूसरा देखिए, ये एम क्या है, एम क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब बताओ बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है, तो ये भी बच्चों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर यहां पर अगर देखें कि आर बराबर एम एल अपान ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, तो यहां से बच्चों अगर जो ये एम है, जो ये एम है, एम इतना अगर बच्चों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बराबर का साइन हटाओगे तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल अपान ए एन टाउ। बताओ बच्चों क्या यही आएगा, क्या यही आएगा। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम जान सकते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्टेड कर रहा है। अगर इसमें देखें तो चार टर्म है, पहला टर्म देखें तो आर प्रोपोर्शनल बच्चों क्या हो जाएगा, एल। दूसरा टर्म देखें आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बटे में है बच्चों, व्युत्क्रम अनुपात है 1/a। यहां पर अगर बच्चों देखें तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों क्या हो जाएगा, 1/n। और यहां से बच्चों चौथा नंबर देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/τ। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, शांति काल है, क्लियर हो बच्चों। तो अब इतना, अब इसी से हमें पता चल रहा है, आप जानते हो बच्चों दो प्रकार का रिलेशन होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर बच्चों हम डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो ऐसा संबंध जो जिसका, जैसे हमने लिखा एक्स प्रोपोर्शनल वाई हमने लिखा, इसका मतलब बच्चों क्या है, इनका ये क्या है, डायरेक्ट संबंध है, अनुक्रमानुपाती। मतलब अगर वाई का मान बढ़ाओगे तो एक्स का मान बढ़ेगा, वाई का मान घटाओगे तो एक्स का मान घटेगा। अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है, ये क्या है, सीधा संबंध है, ये क्या है, उल्टा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन। इसे बच्चों हम लोग कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन, क्या कहेंगे बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन, और इसे कहेंगे इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन कहेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन है और ये क्या है बच्चों, इनवर्स रिलेशन है। तो अब यहां पर इसका मतलब क्या है कि अगर हम वाई का मान बढ़ाएंगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वाई का मान घटाएंगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, लेकिन बच्चों इसमें क्या करोगे, बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा, उल्टा होता है। तो बच्चों अब एक चीज ये बताओ, यहां पर अगर देखें तो यहां पर कौन सा संबंध है, क्या ये बच्चों डायरेक्ट रिलेशन है और ये बाकी क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब एल क्या है, लंबाई, ये क्या है, लंबाई लेंथ है किसका, जो चालक तार है, चालक तार की लंबाई, ये चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और ये बच्चों क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये बच्चों क्या है, शांति काल, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन, यही चार फैक्टर है जो उस पर डिपेंड करते हैं, जिस पर रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे पहला नंबर, यहां देखें चालक की लंबाई, चालक की लंबाई पर, ठीक है, जो चालक का लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसा, तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों, एल, क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल। इसका मतलब बच्चों यहां क्या है, अगर एल की लंबाई हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर एल की लंबाई घटाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितना हम एल की लंबाई बढ़ाएंगे उतना प्रतिरोध बच्चों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जितना एल की लंबाई घटाएंगे उतना प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है, अनुक्रमानुपाती होता, इसका मतलब क्या है, अर्थात, अर्थात
चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तथा चालक की लंबाई कम करने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। प्रतिरोध का मान कम होता है, ठीक है बच्चों। अगर चालक की हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई हम कम कर देंगे प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। जैसे बच्चों देखो इसमें क्या है, ये एक चालक तार है, एक चालक तार है, ठीक है। इसकी लंबाई बच्चों कितनी है, एल है, ठीक है। चालक तार की कितनी लंबाई है, एल। और ये बच्चों प्रतिरोध कितना है, आर। हमने इसके लंबाई को बच्चों क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये बच्चों एल से हमने क्या कर दिया, टू एल कर दिया। कितना कर दिया बच्चों, टू एल। तो अब इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। जितना बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत बच्चों, नहीं ना। चलिए अब आगे बच्चों बात करते हैं दूसरा। ये तो पहला फैक्टर था, ठीक है, आप इसे नोट करिए। अब दूसरा बच्चों क्या है, दूसरा अगर यहां देखें तो जो दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है बच्चों, चालक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसे बच्चों हम लोग कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए बच्चों यहां पर ये वाला रिलेशन, तो ये बच्चों क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसका मतलब बच्चों क्या है, यहां देखिए क्या है, प्रतिरोध क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहां लिखेंगे चालक का प्रतिरोध, का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका बच्चा मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो ये आर है वो क्या होता है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि जैसे ही बच्चों हम क्या करेंगे, ए का मान बढ़ाएंगे, बच्चों जैसे ही हम ए का मान बढ़ाएंगे आर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ए का मान घटा देंगे आर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, तथा क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ पा रहे हो ना बच्चों। तो ये बच्चों क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि चालक की लंबाई तो हमने बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। चालक का लंबाई हमने घटाया, प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक ये चालक तार है, एक ये चालक तार है, ठीक है। तो ये चालक तार के बच्चों क्या हो गई, लंबाई हो गई, क्या हो गई, लंबाई। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, तो बच्चों जो ये वाला भाग है ना, ये वाला जो ये आपको सामने से ऐसे देखने पर लगता है, ये जो भाग है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो बच्चों ये सामने से आप जब देखते हो तो आपको गोले आकार का दिखाई देता है, यही बच्चों क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बच्चों बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब कि चालक अभी इतना पतला है, अगर बच्चों इस चालक का जो चालक तार है इसका क्षेत्रफल हम क्या कर दे, बढ़ा दे। ये लो बच्चों क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं, लंबाई क्या है, उतनी ही है,
लंबाई क्या है उतनी है, लेकिन इसका बताओ बच्चों क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया ना। जैसे क्षेत्रफल ये बच्चों बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, अब बच्चों इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, अब आगे बच्चों बात करते हैं अगला नंबर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है तीसरा, तीसरे में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो चालक का प्रतिरोध था वो मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। क्या था? व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा जो पॉइंट था चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें क्या था कि चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बच्चों कि जो चालक का प्रतिरोध था वो क्या था, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमने बताया था, अभी बताया था। इसका मतलब कि किसी चाल, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आप कहोगे सर जी आपने बताया था, तो बच्चों एन क्या होता है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही बच्चों क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो बच्चों अब अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ अगर ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध उसमें बच्चों क्या होगा, कम, और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा। तो अब आप बताओ बच्चों यहां पर कि एक अच्छा चालक में क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर एक अच्छे चालक में प्रतिरोध की मात्रा कम होनी चाहिए, और इसका मतलब प्रतिरोध की मात्रा अगर बच्चों कम होनी चाहिए तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना। तो इसीलिए बच्चों जिस चालक पदार्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होता है, अधिक होता है, उसमें बच्चों रेजिस्टेंस का मान बच्चों कम होगा, तो बच्चों वो कहलाएगा गुड कंडक्टर। क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर। समझ में आ गया? तो अच्छा चालक बच्चों वही होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो वो क्या होगा, अच्छा चालक कहलाएगा। अब बच्चों अगर यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों बहुत कम है तो बच्चों उसमें रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बताओ, रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा। अगर बच्चों रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा, बैड कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैड कंडक्टर कहलाएगा। तो बच्चों क्या उसमें धारा बहेगी, नहीं। तो बच्चों आप जानते हो जो चालक पदार्थ होते हैं वो तीन होते हैं, एक चालक जो वैद्युत पदार्थ होते हैं वो बच्चों कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक चालक पदार्थ होता है, एक क्या होता है, अचालक पदार्थ होता है, और एक अर्धचालक पदार्थ होता है। जो चालक होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और जो बच्चों क्या होता है अचालक होता है या कुचालक होता है, जिसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं या नॉन कंडक्टर कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वहां जो रेजिस्टेंस होता है वो बच्चों क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। जैसे हम लोगों का बच्चों क्या होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है, ये सब बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तीसरा बच्चों हम लोग पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं, जो चार नंबर पॉइंट है वो क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांतिकाल पर। तो बच्चों जो चार नंबर पॉइंट है, चौथा नंबर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांतिकाल पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर। तो बच्चों देखो श्रांति काल पर कैसे, तो यहां पर अगर देखा जाए कि जो प्रतिरोध था वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब दो टक्करों में लगा जो समय होता है बच्चों,
जैसे इलेक्ट्रॉन हमने बताया था ना कि ये कंडक्टर है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, इसको टक्कर मारा और इसे चला यहाँ मारा, तो जो इस टाइम टक्कर लगने से पहले जो इसका समय था बच्चों, मतलब जैसे ये यहाँ से क्या किया, चला और यहाँ पर टक्कर मारा, तो ये इस बीच में क्या था, रिलैक्स था, कोई काम नहीं किया, तो ये जो टाइम और ये बच्चों टाइम, फिर यहाँ से यहाँ आया टक्कर मारा, तो इस दो टक्करों में जो उसने रिलैक्स किया, आराम किया, वही जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम बच्चों कहलाता है। और यहाँ पर अगर रिलैक्सेशन टाइम का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ बच्चों प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम का मान अगर बच्चों ज़्यादा हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम का मान कम हो जाएगा तो बच्चों प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये बच्चों इतने बारे में था। लास्ट में एक चीज के बारे में बच्चों हम लोग पांचवें नंबर पे और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, तो वो क्या है, उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा कम होगी, तो बच्चों क्या कहलाएगा, कंडक्टर, गुड कंडक्टर कहलाएगा। अब बच्चों गुड कंडक्टर क्या होता है, चांदी होता है, क्या होता है, चांदी होता है। और बैड कंडक्टर में बच्चों क्या आता है, आपका जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध, जो मतलब बैड कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध ज्यादा होता है। जो अच्छे कंडक्टर होते हैं जैसे आपका चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, इन सब में बच्चों क्या होता है, रेजिस्टेंस की मात्रा कम होती है, इसलिए बच्चों ये गुड कंडक्टर माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर जो रेजिस्टेंस होता है पदार्थों पर भी निर्भर करता है। तो ठीक है, तो यहां लिख लेंगे पांचवा नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, जितने अच्छे चालक रहेंगे उसमें रेजिस्टेंस का मान उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर हो बच्चों? तो ये बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर बच्चों इसे शेयर करें। आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, जो आपका ग्रुप है उस पे आप शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।